हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। और अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप स्किनकेयर फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो गाइस, आज से हम लोग नेल आर्ट कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस नेल आर्ट कोर्स में मैं आप लोगों को बेसिक सिखाने वाली हूँ, मतलब आपके नेचुरल नेल्स पे आप लोग कैसे नेल पेंट लगा सकते हो, कैसे आप लोग अपने नेचुरल नेल पॉलिश जो आपको मिलता है उसको कैसे लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो, कैसे आप लोग जेल नेल पेंट लगा सकते हो, और कैसे आप लोग अपने नेचुरल नेल्स पे नेल पेंट लगाने के बाद ग्लिटर्स लगा सकते हो, थोड़ा सा नेल आर्ट कर सकते हो। ये सब कुछ बेसिक मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को थियरी समझाऊंगी, मतलब नेल्स में क्या क्या होता है, क्या क्या आपको समझना है, क्या क्या जरूरी है आपके नेल पेंट को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। सो जैसे हम लोग मेकअप से पहले स्किन को प्रेप करते हैं, जैसे हम लोग हेयर स्टाइल से पहले हेयर को प्रेप करते हैं, वैसे ही नेल पॉलिश लॉन्ग लास्टिंग चाहिए आपको। नेल पॉलिश लगाने से पहले आपको आपके नेल्स को प्रेप करना है। तो नेल्स को कैसे प्रेप करना है, इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि नेल्स में एक्चुअली होता क्या क्या है, तो फिर आप लोग ठीक से इसको प्रेप कर सकते हैं। सो प्रेपिंग एंड ऑल प्रैक्टिकल सब कुछ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आप लोगों को थियरी समझाऊंगी नेल्स में कि क्या क्या आपको समझना है। ओके, मेरे पास ये एक इमेज है, यहाँ पे मेरा प्रिंटर खराब हो गया है गाइस, तो मैं प्रिंट आउट नहीं लेके आ पाई, सो आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग ये इमेज देखना, इसमें आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा जो भी जरूरी है। सबसे पहले ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेल प्लेट, मतलब आपके नेल्स में ये जो पार्ट है ना, ये वाला, उसको हम लोग नेल प्लेट कहते हैं। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला है नेल प्लेट के बाद, जो एक्स्ट्रा ऊपर दिखता है ना आपको, जो लॉन्ग नेल्स होते हैं, उसको हम लोग फ्री एज बोलते हैं। तो जो फ्री एज, जब भी हम लोग फ्रेंच मैनिक्योर वगैरह करते हैं ना, तो फ्री एज पे हम लोग करते हैं, वो व्हाइट जो पेंट करते हैं ऊपर फ्रेंच नेल पे। तो अभी ये मेरे नेल्स है, ये हाथ तक नेल प्लेट है मेरा, उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा है ना बोलूंगी, उसको हम लोग कहते हैं फ्री एज। तो मैनिक्योर, तो फ्रेंच नेल्स जब भी हम लोग करते हैं तो मोस्टली हम लोग फ्री एज पे काम करते हैं। इसके बाद का जो है गाइज, वो है ये क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या होता है, ये जो आपके नेल्स के जो साइड में एक ऐसे थ्रेड के जैसा है, देखो बहुत ही स्किन है एकदम ही साइड में, उसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो आपके नेल को प्रोटेक्ट करता है, आपके नेल को बचाता है, मतलब जब भी आपको ऐसे थोड़ा सा लगता है या कुछ भी होता है ना, तो वो आपके नेल को प्रोटेक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। तो नेल पेंट लगाते वक्त आपको क्या करना है, क्यूटिकल जो भी एक्स्ट्रा स्किन होती है या जो भी होता है ना, उसको हमको रिमूव करना होता है। ओके, तो वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे, सो डोंट वरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। अभी जो नेक्स्ट है, गाइज, वो है ये लुनुला। देखो ये वाला पार्ट, तो लुनुला क्या है, ये वाला पार्ट, मतलब आपके नेल्स में, अभी मेरे इसमें अगर आप लोग ये वाला देखोगे ना, तो ये यहाँ पे मेरे नेल्स बहुत खराब कंडीशन में है, आई नो, बट मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने ऐसे रखा है, इसलिए मैं सलोन नहीं गई नेल्स बनाने के लिए, सो प्लीज डोंट जज मी। तो आप लोगों को सिखाना है मुझे, इसलिए मैंने ऐसे ही रखे अपने नेल्स को, ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कैसे कट करना है, कैसे फाइल करना है, कैसे शेप करना है, सो प्लीज डोंट जज। ओके, तो ये वाला जो है पार्ट, देखो ये वाला, यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा ऐसे जो यू के जैसे आपको मून चांद के शेप का ऐसे दिख रहा है ना नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं लुनुला। लुनुला होता है ना ये हर एक फिंगर्स में, मतलब आप अपना देखोगे तो यहाँ पे देखो ये लुनुला बहुत अच्छे से मून शेप में दिख रहा है, बट ये वाले फिंगर में देखोगे तो नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत ही कम सा दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है मुझे वो हाफ मून यहाँ पे। तो ऐसे आपके हर एक फिंगर पे वो डिफ्रेंशिएट करेगा लुनुला, और फिर जब भी आपके नेल्स बढ़ते जाते हैं ना, तभी आपको वो ठीक से अच्छे से दिखेगा। और लास्ट है गाइज ये स्माइल लाइन। तो जहां पे आपका नेल प्लेट खत्म होता है ना, ये वाला जो कर्व दिख रहा है ना आपको, उसको हम लोग स्माइल लाइन बोलते हैं, और उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो फ्री एज होता है। तो ये स्माइल लाइन है आपका ऐसे कर्व। तो जब भी आपको फ्रेंच करना होता है ना, तो स्माइल लाइन पे आपको पहला एक व्हाइट कलर से ऐसे पेंट करना होता है स्माइल लाइन के शेप में, और फिर उसके ऊपर आपको व्हाइट करना होता है। तो ऐसे ही, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, इसको हम लोग स्माइल लाइन कहते हैं। तो अभी आपको ये तो पता चल गया है कि नेल्स में क्या क्या होता है, मतलब लुनुला किसे कहते हैं, क्यूटिकल किसे कहते हैं, नेल प्लेट किसे कहते हैं, फ्री एज किसे कहते हैं, स्माइल लाइन किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपको अभी बेसिक पता चल गया। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन से शेप के नेल्स आप लोग बना सकते हो, कौन से शेप के नेल्स आपके लिए परफेक्ट है, ये मैं आपको बताऊंगी। इतने सारे नेल्स के शेप आप लोग बना सकते हो, तो आप अपने नेचुरल नेल्स पे ये कर सकते हो। अगर आपके नेचुरल नेल्स मेरे जैसे है, छोटे है, तो आप लोग आर्टिफिशियल नेल एक्सटेंशंस भी लगा सकते हो और ऐसे शेप कर सकते हो। तो
मेरे नेल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत अच्छे थे, बट बिकॉज मैंने ऐसे जेल नेल पेंट और आर्टिफिशियल नेल्स सब लगाया है तो उसकी वजह से मेरे नेल्स बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। तो हर एक चीज का प्रोज होता है कॉन्स होता है, तो आपको ये सब समझना है गाइज कि अगर आप लोगों को आर्टिफिशियल नेल्स लगा तो वो बहुत ज्यादा आपके नेल्स को बफ करते हैं, फिर आप लोग यूवी लैम्प में से रखते हो आपके नेल्स को तो उसमें थोड़ा डैमेज होता ही है, बट आपको करना है तो आप लोग कर सकते हो, आपको नहीं करना है तो नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों को नेचुरल आप लोग नेल पेंट में कैसे स्टाइल्स कर सकते हो ना, ये मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। कैसे आप लोग नेचुरल नेल पेंट को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो ये मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ, ताकि आपके नेल्स भी हेल्दी रहे। क्योंकि मैंने जब भी आर्टिफिशियल नेल्स लगाए तो वो लोग बहुत ज्यादा बायोजेल नेल्स मैंने करवाया था, तो बायोजेल नेल्स में बहुत ज्यादा जेल लगाते हैं जिसकी वजह से आपके जो ओरिजिनल नेल्स है ना वो थोड़े वीक हो जाते हैं, तो आपको हमेशा फिर वो करवाते रहना पड़ता है अगर आपने एक बार किया तो वैसे ही है। अगर मैंने अभी किया तो अभी मेरे नेल्स बहुत वीक हो गए हैं, तो अभी मुझे बहुत छोटे रखने पड़ते हैं मेरे नेल्स, या तो फिर मुझे जाके सलोन में बायोजेल नेल्स करवाना होता है जिससे वो थिक हो जाते हैं और अच्छे होते हैं। तो बायोजेल के बाद एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं नेल्स, पर जैसे वो निकल जाता है तो वीक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को देखना है कि आपको करना है कि नहीं करना है। ये नॉलेज बहुत जरूरी है गाइस कि कौन से नेल शेप्स होते हैं और कौन सा नेल शेप आपके लिए परफेक्ट है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर शेप है, ओके? तो ये स्क्वायर शेप में कैसे होता है ना कि आपका जो नेल है ये पूरा साइड से एकदम स्ट्रेट होता है और ऊपर से भी एकदम स्ट्रेट होता है, जो फ्री एज है ना वो एकदम स्ट्रेट कट किया होता है, तो इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर जो है ना एकदम स्क्वायर शेप मत रखिए, क्योंकि इससे आपके हैंड्स बहुत ज्यादा ओल्ड लगते हैं। मतलब एकदम है ये ट्रेंड में, ऐसा नहीं है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा मैच्योर लगता है, ज्यादा ऐसे यंग फीलिंग नहीं आती है एकदम स्क्वायर में। उससे अच्छा आप लोग क्या कर सकते हो ना, ये स्क्वायर ओवल रख सकते हो, स्क्वायर ओवल में। और इसमें क्या फर्क है कि इसके जो साइड्स है ना वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं स्क्वायर में, बट स्क्वायर ओवल में थोड़ा सा यहाँ पे राउंडेड होता है साइड्स, तो वो अच्छा दिखता है। तो इन दोनों में से आप लोग स्क्वायर ओवल कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कौन से फिंगर्स पे कौन सा शेप अच्छा दिखता है। पहले आप लोग शेप समझ लो कौन सा रखना है, ये आपके फिंगर्स का जो लेंथ है विड्थ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी नेक्स्ट अगर आप देखोगे गाइज तो ये ओवल है। ओवल कैसे होता है ना, ओवल ऊपर से भी राउंड होता है और नीचे से भी राउंड होता है, मतलब यहां से भी राउंड और ऊपर से भी राउंड, तो ऐसे राउंड शेप में होता है, उसको हम लोग ओवल बोलते हैं। तो ओवल बहुत ही प्रेफरेबल शेप है, मोस्टली सबका यही आपको दिखेगा। राउंड सबसे ज्यादा कॉमनली अगर आप लोग देखोगे तो सबके जो नेल्स होते हैं वो ऐसे राउंड शेप होते हैं गाइस, तो ये बहुत ही कॉमन है, प्रेफर्ड है और अच्छा भी दिखता है। और आप लोग कितना भी काम करो, कुछ भी करो, ये सारे जो ऊपर के शेप्स मैंने अभी दिखाए आपको, स्क्वायर, स्क्वायर ओवल, ये ओवल और ये राउंड, ये मतलब हम इंडियंस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को बहुत काम भी करना होता है घर पे, तो हमारे लिए ये अच्छा है, टिकता है ये अच्छे से। अभी नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये वाला है स्टेलेटो। तो अगर हम लोग ऐसे स्टेलेटो नेल्स करेंगे तो आप भी देख सकते हो गाइस कि ये कितना ज्यादा पॉइंटेड है। तो ये नीचे से राउंड होता है बट ऊपर जाते जाते एकदम पॉइंटेड शेप होता है, जैसे हील्स आप लोग पहनते हो ना स्टेलेटो हील्स, वैसे ही है, बट ये बहुत ज्यादा पोकी भी होता है, तो इसलिए हम लोग इसी वेयर में हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं स्टेलेटोस को। फिर नेक्स्ट आता है गाइस कॉफिन। कॉफिन का भी ये मोस्टली एब्रॉड में अगर आप देखोगे ना, मतलब यूएस या जर्मन, मतलब बाहर के लोग ज्यादा कॉफिन शेप रखते हैं, मे बी साइड्स थोड़े से शार्प होते हैं और नीचे से राउंड ही होता है बट साइड्स थोड़े शार्प होते हैं। नेक्स्ट है गाइस ये आलमंड। तो आलमंड शेप आप लोग भी रख सकते हो, अच्छा दिखता है आलमंड शेप, बहुत ही प्यारा दिखता है, हर किसी को सूट होता है। बस आलमंड शेप में भी एकदम बादाम के शेप का होता है, तो ऊपर से भी एकदम ही नैरो होता है, ज्यादा शार्प नहीं होता है, तो अगर आप लोग कैरी कर सकते हो तो आप लोग इसको भी रख सकते हो। तो मोस्टली गाइस कैसे डिसाइड करो फिंगर्स पे कौन सा शेप अच्छा दिखेगा, तो आपको आपके फिंगर्स को ऑब्जर्व करना है। अगर आपके फिंगर्स मेरे जैसे है कि मतलब ऐसे थोड़े से मोटे है, थोड़े से शॉर्ट है, तो उस केस में आप लोगों को स्क्वायर रखना है आपके नेल्स को, क्योंकि स्क्वायर अगर आप रखोगे ना तो वो सूट होता है, क्योंकि इसका भी विड्थ ज्यादा है, राइट? क्योंकि आपके फिंगर्स का विड्थ भी ज्यादा है और नेल्स का भी विड्थ ऐसे अगर स्क्वायर आता है या राउंडेड स्क्वायर आता है तो बहुत अच्छा बैलेंस करता है, और फिर आपके फिंगर्स पतले लगते हैं और लॉन्ग लगते हैं, तो इसलिए आप लोग स्क्वायर शेप रख सकते हो या राउंडेड स्क्वायर शेप रख सकते हो। अगर आपके मेरे जैसे है, थोड़े से शॉर्ट फिंगर्स है और थोड़े से
विड्थ मतलब मोटे फिंगर्स है, तो अगर आपके एकदम पतले फिंगर्स है, बहुत ही पतले फिंगर्स है और लंबे फिंगर्स है ना, तो बहुत ही प्यारा दिखता है गाइज। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो ना, आप लोग आलमंड शेप के नेल्स कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिखाया है, लोग ऐसे आलमंड शेप के कर सकते हो। हाँ, कि अगर आप एब्रॉड के लोगों के हाथ देखोगे तो उनके एकदम पतले होते हैं और लॉन्ग फिंगर्स होते हैं, तो इसलिए वो लोग आलमंड शेप, कॉफिन शेप, ये सब शेप्स बहुत अच्छे दिखते हैं, इसलिए वो लोग वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। और फिर ओवल भी अच्छा दिखता है बहुत ऐसे हाथों पे, जिनके बहुत ही नाजुक से फिंगर्स होते हैं ना, ओवल बहुत अच्छा दिखता है, ये राउंड भी चलेगा। तो आलमंड, ओवल और राउंड में आप लोग कोई भी रख सकते हो, बस आपके फिंगर का शेप और उसमें बैलेंस क्रिएट करना होता है ताकि वो अच्छा दिखे। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रेफरेबल शेप्स है वो कौन से फिंगर पे अच्छे दिखेंगे, मतलब ओवल है तो लॉन्ग फिंगर्स है तो ओवल रखो, राउंड रखो, अगर ऐसे थिक फिंगर्स है आपके तो स्क्वायर में रहो, वो ज्यादा अच्छा दिखता है। तो आई होप अभी आप लोगों को ये पता चल गया है कि कौन सा शेप आप लोग रख सकते हो आपके फिंगर्स के लिए, ताकि आप लोग सलोन में जाके कर रहे हो तो उनको भी आप लोग बोल सकते हो कि मुझे ऐसा शेप चाहिए अपने नेल्स का। और फिर और भी बहुत सारे शेप्स है गाइज, अगर आप देखोगे ये वाला चार्ट तो इसमें देखो ये वाला है, फिर एरो हेड है, ये पेन का जो निप होता है उसके जैसा है, फिर उसके बाद ये लिपस्टिक शेप है, बट ये सब हम लोग इंडिया में मोस्टली नहीं रखते हैं इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही, ये पॉइंटेड भी हम लोग नहीं रखते। तो लिपस्टिक में अगर आपको ऐसे लिपस्टिक शेप का रखना है तो आपको आपके नेल्स को ऐसे ट्रायंगल में कट करना होगा नेल कटर से और फिर रखना होगा, और फिर एरो में भी आपको यहां से कट करके फिर रखना होगा, एक्सटेंशन भी कर रहे तो उसको वैसे शेप करना होगा। तो ये सब कुछ देखो, ये ऐसे इतने सारे नेल्स है, बट मोस्टली हम लोग राउंड, ये वाले जो फर्स्ट है ना, स्क्वायर, स्क्वायर ओवल, राउंड ओवल, यही हम लोग मोस्टली रखते हैं। तो आई होप अभी आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि कैसे आप लोगों को आपके नेल्स के हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सा शेप आपको करना है। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल शेयर करूंगी कैसे आप लोगों को नॉर्मल नेल पेंट लगाना है, कैसे उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो, कैसे नेल्स को फाइल करना है, बफ करना है, ये सब कुछ, क्यूटिकल्स को कैसे रिमूव करना है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे गाइज। सो आज थियरी था, आई होप आपको अच्छा लगा आज का वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल बटन भी क्लिक करो ताकि आप लोग मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती हूँ आपके लिए एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे। सो अब मैं मिलूंगी आपसे फ्राइडे, टिल देन बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।